बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो नामे अली की पंजे शान। तेने अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा के नाम मुबारक से जुड़े चंद हैरानी आपसे शेयर करेंगे और हर मुश्किल की आसानी के लिए नादूरी का उसका कबूल करेंगे। नाज़रीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम अली अरबी जुबान का लफ्ज था, मगर मोहम्मद और अली ये दो बाबरकत नाम ऐसे थे कि अरबी लुगत में होने के बावजूद किसी ने इनके नाम अली नहीं रखे। इन दोनों नामों से पहले क्यों कोई वाकिफ नहीं था, किसी के कानों ने ये नाम क्यों नहीं सुने थे? और इसी तरह अरब के काफिर जो के लुगत के माहिर थे, जो किसी लफ्ज को बिगाड़ने के लिए यानी मुहम्मद बनाने के लिए वाओ लगाते थे, जैसा कि कुर्सी वुर्सी कलम कलम वगैरह। अगर वो अली के नाम को बिगाड़ते यानी शुरू में वाओ लगाते तो वो अली से वली बन जाते। नाज़रीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक में ही खुदा ने कैसी तासीर की है और क्या शान है इस नाम की कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। और यही नहीं, इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से भी बेशुमार हैरान वाकयात जुड़े हैं, जैसा कि आपका ज़ुहूर 13 रजब 30 आमुल के बरूस जुमा खाना काबा में हुआ, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ज़ुहूर के बाद आंखें नहीं खोली। आपकी वालिदा ने समझा कि शायद बच्चा भी तीसरे दिन जब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपकी वालिदा माजदा फातिमा बिनते असद ने परेशानी के आलम में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इस बच्चे ने 3 दिन से आंखें नहीं खोली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से पानी पिलाया तो उन्होंने आंखें खोल दी। जुमाने रिसालत पर पहली नजर पड़ी तो भाई ने गले से लगाया और अपनी जुबान मुबारक को लाल किया। तो वो जुबान रिसालत को चूस कर अच्छी तरह से फिर सुने खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए अली, तुमने 3 दिन तक आंखें क्यों ना खोली? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के रसूल खाना काबा में खुद ही पुत्र थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी पहली नजर मुझ पर पड़े, बल्कि मैं सबसे पहले आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत करना चाहता। नाज़रीन, मौलवीन आलिम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के खाना काबा में पैदा होने के कोई इख्तिलाफ जाहिर नहीं किया, बल्कि बिलाशुबा कहते हैं कि आपसे पहले ना कोई खाना काबा में पैदा हुआ है और ना होगा। नाज़रीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम हर कदम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ऐसी ढाल बने थे कि मुश्किल चाह कर भी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम बोला मुश्किल कुशा शेरे खुदा के लकब से मशहूर। नाज़रीन, यही वजह है कि दुनिया के किसी भी मजहब के पैरोकार मुश्किल और मसाइब में जब इमाम अली अलैहिस्सलाम एक बार मोहब्बत मुल्क से पुकारते हैं तो मुश्किल हुआ कैसी ही क्यों ना, इस नाम के वसीले से थोड़ी आसान क्यों ना हो, जबकि आपकी वालदा माशदा ने भी आप ही के वसीले से अल्लाह से उस वक्त की जब आप अपने मालिक में थे तो आपकी वालदा फातिमा बिनते असद को जब दर्दे जा तो आप खाना काबा को खुली गई और बारगाहे इलाही की तरफ ऊंचे होकर अर्ज करी कि ऐ खुदा, मैं मोमिना हूँ और मैं तेरे और तेरे पैगंबरों और आसमानी किताबों पर ईमान रखती हूँ और अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक बात पर ईमान रखती हूँ। तो मुझे इस नबूवत का वास्ता जो मेरे पेट में है, मेरी मुश्किल आसान फरमा दे। इब्ने कसब का बयान है कि हमने उस वक्त खुली आंखों से देखा कि दीवारे काबा में शगाफ पड़ गया और आप बीबी बेखौफ काबा के अंदर चली गई और फिर दीवार दोबारा अपनी असली हालत में तब्दील हो गई। तो यूं इमाम अली अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर अल्लाह के घर खाना काबा में हुआ। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक से मुतल्लिक बेशुमार करामाती वाकयात हैं जिनमें से चंद एक हमने आपसे शेयर किए हैं और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आए होंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आपसे नादिरी का वज़ीफ़ा भी शेयर कर रहे हैं, इसके वसीले से आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अपनी जिस भी मुश्किल को आसान करने की दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आसान होगी। नादिरी ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अली जम मजहर अल अजाइब नजीब अल औलिया नकाफ अल नवाइब तुम हम में मुहम्मद सैयद जली की अजमत का या अल्लाह,
कभी नबुवती का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी विलायती का या अली या अली जानी, जिसका तर्जुमा है पुकार अली को जो असारी कुदरत है, तो मसाइब में उन्हें अपना मददगार पाएगा। अनकरीब हर रजूगा दूर हो जाएंगे आपकी रहमत के साथ या अल्लाह, आपकी नबुवत के टुकड़े या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, और आपकी खुदाइत के टुकड़े या नाज़रीन। ये नादे अली पूरे यकीन मोहब्बत और तवज्जो के साथ रोजाना 11 बार या 110 बार पढ़कर अल्लाह के हुक्म को बदलने की कोशिश करें, और उसके बाद अपनी जायज़ हाजात के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल नादे अली के वसीले और अल्लाह की कभी मदद से ऐसे आसान होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।